जैसा कि दोस्तों हम सभी लोगों ने लैब में कोई ना कोई प्रैक्टिकल किया होगा, जानते होंगे, तो सबसे पहला अपरेटस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब। आपने देखी होगी, ग्लास की होती है और इसमें किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी वगैरह हम लोग चेक करते हैं। और इसको पकड़ने के लिए एक हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड आता है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसको ऐसे फंसा लेते हैं और हम हीट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। तो ये हमारा हो गया टेस्ट ट्यूब और इसका टेस्ट ट्यूब का स्टैंड। फिर हमारा दूसरा अपरेटस हो गया ट्राइपॉड स्टैंड। इसमें हम किसी भी चीज़ को जैसे फनल हो गया या कोई भी चीज़ रख के हीट कर सकते हैं नीचे बर्नर लगा के, तो ये स्टैंड का काम करता है। ये हमारा हो गया सेकेंड अपरेटस। फिर हम लोग थर्ड अपरेटस, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए चम्मच, जिसको हम कहते हैं घरेलू लैंग्वेज में, बट लैब की लैंग्वेज में इसको स्पैचुला बोला जाता है। ये प्लास्टिक मटेरियल में भी आता है और SS में भी आता है। तो ये किसी भी चीज़ का वेट लेने के लिए, उस मटेरियल को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड आइटम, नेक्स्ट आइटम है हमारा फनल। ये ग्लास फनल है, अलग अलग डायमेंशन की, अलग अलग कैपेसिटी की आती हैं। ये हमारी 75 mm की है और 50 mm की भी आती हैं, तो अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग फनल्स हमारी आती हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे मेजरिंग सिलेंडर। ये रहा हमारा मेजरिंग सिलेंडर, इनका यूज़ हम लोग किसी भी केमिकल लिक्विड को मेजर करने के लिए लेते हैं। ये हमारे 10 ml से लेकर 2 लीटर तक के आते हैं और इसमें आप छोटी से छोटी क्वांटिटी नाप कर सकते हैं। और इसमें एक बाकायदा ग्रेजुएटेड मार्किंग होती है, जैसे कि ये देखिए हमने 25 ml का है, इसको बोलते हैं 25 ml का लिया है। इसमें देखिए 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml की दूरी पे मार्किंग हुई है। तो ये अलग अलग अकॉर्डिंग आते हैं, अलग अलग साइज अकॉर्डिंग आते हैं, हमें जो ज़रूरत लगती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि ये हमारा 50 ml का हो गया, ये हमारा एक देखिए 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर हो गया और ये हमारा 250 ml का मेजरिंग सिलेंडर हो गया। और इनकी वराइटीज बढ़ती जाती हैं 500 ml और 1 लीटर 2 लीटर तक का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम बताएंगे हम आपको बीकर्स के बारे में। बीकर का मेन रोल होता है किसी भी चीज़ को उसमें केमिकल को निकाल सकते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, उसमें हम कुछ टेस्टिंग भी करते हैं और कोई भी चीज़ हीट वगैरह भी करते हैं। तो ये भी साइज़ और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसा कि ये हमारा 100 ml का बीकर है, ये और भी साइज़ में आते हैं, छोटा भी आता है और बड़ा भी आता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग हमें जितने कैपेसिटी की जरूरत होती है हम वो ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2-3 साइज़ हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा 250 ml का मेजरिंग सिलेंडर, 250 ml का बीकर हो गया है और ये हमारा 500 ml का बीकर हो गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग केमिकल्स और रीजेंट्स कुछ बनाते हैं, कुछ सोल्यूशन हमें लैब में प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं, जिनके लिए हम रीजेंट बॉटलों, जिन बॉटलों में रखते हैं उनको हम रीजेंट बॉटल कहते हैं। रीजेंट या वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन जिन बॉटलों में रखे जाते हैं उनको हम रीजेंट बॉटल कहते हैं। जैसा कि ये हम सैंपल दिखा रहे हैं, ये 500 ml की रीजेंट बॉटल है। नेक्स्ट, किसी भी सोल्यूशन को हम लोग डिजॉल्व करने के लिए घरों में चम्मच का यूज़ करते हैं, पर लैब में ग्लास रॉड का यूज़ किया जाता है। किसी भी लिक्विड को शेक करने के लिए या किसी भी सॉलिड को पानी में डिजॉल्व करने के लिए हम लोग ग्लास रॉड का यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम लोग सैंपल को डिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारा ये पेट्री डिश का, जिसका यूज़ माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ देखने के लिए। ये हमारा ये कवर होता है, लिड होता है और ये पूरा कैप होता है, ये पूरा कंबाइंड, इसको हम पेट्री डिश बोलते हैं। ठीक दोस्तों, फिर हम आगे बताने जा रहे हैं नेक्स्ट आइटम फ्लास्क के बारे में। फ्लास्क कई टाइप्स के होते हैं, जिनमें से हम 3-4 फ्लास्क को आइडेंटिफाई कराएंगे। ठीक है, ये दोस्तों हमारा 250 ml का कोनिकल फ्लास्क है, अलग अलग साइज़ में अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आते हैं दोस्तों। जैसा कि ये 250 ml का है, 100 ml का भी आता है और 1 लीटर का भी आता है और 2 लीटर का भी आता है। ये ओपन मुंह का होता है, इसलिए हम इसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है आयोडीन फ्लास्क। आयोडीन फ्लास्क ओपन माउथ होता है, ऊपर कैप लगा होता है, इसलिए हम इसको आयोडीन फ्लास्क कहते हैं। इन दोनों का रोल हमारा टाइट्रेशन में यूज़ होता है, टाइट्रेशन जब भी हम करते हैं तो इन कोनिकल्स में ही हमारा टाइट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जैसा कि ये हमारे पास 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये भी अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग आते हैं, 10 ml, 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं। इसमें हमारा वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, जो कि टाइट्रेशन में यूज़ होता है। इनमें सोल्यूशन बनाने का मेन कारण ये होता है कि हमारा जो सैंपल है, जो भी हमारा सोल्यूशन बनाते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी का बनता है, इसलिए हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा राउंड बॉटम फ्लैट फ्लास्क। ठीक है, इसका जो बॉटम होता है वो फ्लैट होता है और इसको कहते हैं राउंड बॉटम। ये जैसा कि हमारा 250 ml का है, राउंड बॉटम फ्लैट। ठीक है, और नेक्स्ट एक और फ्लास्क है हमारे पास, इसको कहते हैं राउंड बॉटम, पूरी तरह से ये फ्लैट नहीं होता है, ये ऐसे रुकेगा नहीं। ये देखिए हमारे पास 1 लीटर का है, इसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से राउंड होता है, इसलिए ये सिर्फ हीटर पर रुकता है या फिर स्टैंड में रखा जाता है, ये ऐसे रुकता नहीं है। ये हमारे हो गए फ्लास्क। नेक्स्ट फ्रेंड, हम आपको बताने जा रहे हैं क्रूसिबल। किसी भी चीज़ की टोटल ऐश या फिर सल्फेटेड ऐश निकालने के लिए हमको क्रूसिबल की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी सिलिका क्रूसिबल है, इसमें हम ऐश वैल्यू निकालते हैं, जो कि मफल में रख के निकाली जाती है। नेक्स्ट है, आप सबने यूज़ किया होगा, लैब में भी यूज़ किया होगा, जो कि हम लोग बहुत बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ये रही हमारी पिपेट। पिपेट हमारी जो है साइज़ के अकॉर्डिंग और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग आती हैं, जिसमें से 1 ml से लेके 25 ml, 50 ml तक की आती हैं। पिपेट्स हमारी दो तरह की होती हैं,
पहली पिपेट्स होती है ग्रेजुएटेड, जिसमें की मार्किंग होती है ये देखिए, जैसा कि ये मैंने 10 ml की ली हुई है, ये देखिए इसमें मार्किंग है, एक एक ml के अंतर पर इसमें मार्किंग की गई है। तो जिसमें मार्किंग की जाती है उनको हम ग्रेजुएटेड पिपेट्स बोलते हैं। और एक आती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स, उनसे क्या होता है बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी, जैसे हमें आपको सिर्फ 10 ml निकालना है तो सिर्फ 10 ml ही निकलेगा। इसलिए हम एक्चुअल अच्छी टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा फॉरशिप है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी ये टोंग है, टोंग का यूज़ हम लोग लैब में सब ओवन में भी हम लोग अपने सैंपल्स लगाते हैं, ग्लासवेयर लगाते हैं, मफल में भी लगाते हैं, जिससे कि इस टोंग के थ्रू पकड़ते हैं, क्योंकि हीट होता है तो दोस्तों हम अपने हाथों से नहीं पकड़ सकते हैं, हमारा हाथ जल सकता है। तो ये देखिए मैंने आपको टोंग के थ्रू पकड़ के दिखाया है, तो इस टोंग से हम लोग पकड़ने का काम करते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं पिकनोमीटर, ये कांच का होता है, ये 25 ml का है। इस पिकनोमीटर के थ्रू हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी निकालते हैं, वेट पर हमें निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अच्छे से पहचान लिया, और जो भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं, आप कहीं लिख के रख लीजिए, जिससे कि समय आने पर आप इसका नाम देख सको, याद कर सको। ठीक है दोस्तों, नया मैं आपको फिर एक और नेक्स्ट बता रहा हूँ अपरेटस का नाम, ये है सेपरेटिंग फनल। ये देखिए इसमें सर नॉब होती है नीचे और ऊपर कैप होता है, इसमें हम किसी भी चीज़ की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने दो लिक्विड डाल दिए हों, एक में मिलाया है और उसको सेपरेट करना है, तो इसमें डाल के हम वो सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम सेपरेटिंग फनल है। और ये भी अलग अलग कैपेसिटी की होती हैं, आपको जिस कैपेसिटी की चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये हमने 250 ml की ली हुई है, 250 ml की भी आती है, 500 ml की भी आती है और 1 लीटर की भी आती है।